बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समीरा, एआरवाई टीम्स के साथ। अदाकार हुमायूं सिद्ध भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सिनेमाओं में भारतीय फिल्में ज़रूर लगनी चाहिए, इनमें कोई मज़ायका नहीं। याद रहे कि सन 2019 में एसोसिएशन ऑफ फिल्म की नुमाइश कुंदगान ने फैसला किया था कि भारत की फिल्में पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं की जाएंगी। ये फैसला भारतीय जंगी तैयारों की जानिब से पाकिस्तानी फिजाई हदूद के खिलाफ वर्जी के बाद किया गया। 2019 के बाद 4 साल के अरसे के दौरान पाकिस्तान में एक भी भारतीय फिल्म बाज़ाब्ता तौर पर रिलीज़ नहीं की जा सकी। मेज़बान के सवाल पर हुमायूं सिद्ध का कहना था कि पाकिस्तानी सिनेमाओं में भारतीय फिल्में लगनी चाहिए, मैं कभी भी इसके खिलाफ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि हॉलीवुड और तुर्किश फिल्में भी पाकिस्तानी सिनेमाओं में लगनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिनेमाओं का रुख करते रहें। अदाकार ने मज़ीद कहा कि यहाँ ऐसा होता है कि एक अच्छी फिल्म रिलीज़ होती है, फिर इसके 5 या 6 माह बाद दूसरी फिल्म रिलीज़ होती है, फिर लोगों का सिनेमाओं में जाने का तसलसल बरकरार नहीं रहता। प्रोग्राम के दौरान अदाकार ने बताया कि वो फिल्मों के साथ अब ड्रामों में भी काम करने वाले हैं। ऐसी मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।